को मिक्स करके अच्छे से इसको मिला लेना है और कुछ देर तक आपको मिक्स करना है। मेरे पास ये जो लौंग है ये पिसे हुए नहीं है, तो इनको पिसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 10 मिनट तो लग ही जाएगा। जब दांत में तेज़ दर्द हो जाता है अचानक ही और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप घर में होम रेमेडीज तराशते हो कि क्या घर में क्या ऐसा पड़ा है जिसका यूज़ करके मैं मेरे दांत के दर्द को ठीक कर सकता हूँ। और इसी के चलते हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, और मैंने भी अपने वीडियो में बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताई है कि ये लगाओगे तो आपका दांत का दर्द है वो एकदम ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, मैम किस तरीके से यूज़ करें, कैसे लगाएं, उन सब के सवालों के जवाब है कि अगर आपके दांत में तेज़ दर्द हो जाता है तो सिर्फ आपको एक पेस्ट बनाना है। वो मैं खुद आपको आज बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको वो पेस्ट बनाना है और आपको आपके दांत को किस तरीके से लगाना है। उस पेस्ट को लगाने से आपका दर्द वो 10 से 15 मिनट में तुरंत ठीक हो सकता है। तो आज हम लोग एक होम रेमेडीज, एक घरेलू नुस्खे के थ्रू एक पेस्ट बनाएंगे दांत के दर्द को ठीक करने के लिए इस वीडियो के थ्रू। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपन लिप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर दांत में अचानक से दर्द हो जाए, या आपकी कैविटी है, या अक्कल दाढ़ का दर्द है, या गम्स की वजह से आपके कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से अगर आपके दांत में अचानक से दांत में दर्द हो गया है और आप मेडिसिन लेने के कंडीशन में नहीं हो, या फिर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक घरेलू पेस्ट बता रही हूँ, घर के कुछ मसालों से रिलेटेड मसाले यूज़ करके, और उस पेस्ट को कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी और कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए, तो दांत के दर्द को तुरंत ठीक करने के लिए जो पेस्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो पूरी मैंने रख रखी है यहाँ पे। तो क्या चाहिए, सबसे पहले है लौंग। ये लौंग लिए है कुछ मैंने, और लौंग में क्या होता है, एनाल्जेसिक गुण होता है, यानी कि दर्द को ठीक करने वाला गुण। तो लौंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस पेस्ट के लिए। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी भी हर घर में अवेलेबल होती है। हल्दी में क्या होता है, एंटीबायोटिक गुण, यानी कि नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। और थर्ड होता है नमक। नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, यानी कोई इन्फ्लामेशन है, कोई सूजन है, उसको ठीक करने का काम करता है। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है, नारियल का तेल। तो इसमें मैंने नारियल का तेल लिया है, ये भी हमारे दर्द को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी भी गुण होता है और एंटी एनाल्जेसिक गुण भी होता है। तो ये दोनों सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये चार इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। क्या क्या लिए, नारियल का तेल, नमक, हल्दी और लौंग। अब हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। कैसे बनाना है, पेस्ट कितना बनाना है, उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो आप पे डिपेंड है। आपको मैं तो यही बोलूँगी कि आपको ताज़ा पेस्ट बनाना चाहिए, ये नहीं कि आप पेस्ट बना के रख लो, क्योंकि रोज़ रोज़ तो दर्द होने से रहा, तो जिस टाइम दर्द हो उसी टाइम पेस्ट बना लीजिए। तो कैसे बनाना है, आपको कितना बनाना, आपके कितने दांत में दर्द हो रहा है और कितनी देर, मतलब एक टाइम, दो दिन के लिए बनाना है, एक दिन के लिए बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्वांटिटी आप पे आपको रखनी है कि कितना बनाना है। मैं एक बार सिर्फ आपको जनरल ही एक आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर बना के। तो सबसे पहले मैं सिर्फ 2 लौंग लूँगी, बहुत ज़्यादा लौंग नहीं ले रही, क्योंकि 2 लौंग से ही काम चल जाएगा एक दांत के लिए, कि एक दांत पे अगर हमें 2 टाइम भी अगर वो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 लौंग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लेना है तो 1 एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 3, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। सेकेंड, आपको जो ये हल्दी है ये आप अपने एक छोटी सी चम्मच लेगी इस टाइप का, एक यानी 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी ले लीजिए। 2 चुटकी हल्दी ले लिया आपने, और 1 चुटकी नमक इसमें आपको मिक्स करना है इस तरीके से। पहले तो आपको इनको अच्छे से मिला लेना है। अब क्या करना है, इनमें
अगर आप चाहो तो लौंग को क्या करना है, पहले से ही जो मैंने यहाँ पे, क्योंकि क्लिनिक में है, क्लिनिक में मेरे पास वो नहीं है जिससे हम लौंग कूटते हैं पीसते हैं, आप घर पे, घर में, हर घर में मामदस्ता होता है जिसमें हम लौंग पीसते हैं, तो आप उसमें लौंग पीस के उसका पेस्ट है उसको भी उसमें मिला सकते हैं, तो उसको ले लीजिए। पहले कुटा हुआ जो लौंग होता है उसको इसमें डालना है, मिक्स करना है। उसके बाद अंदर आपको तेल मिक्स करना है, और तेल को मिक्स करके अच्छे से इसको मिला लेना है, और कुछ देर तक आपको मिक्स करना है। मेरे पास ये जो लौंग है ये पिसे पिसे हुए नहीं है, तो इनको पिसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 10 मिनट तो लग ही जाएगा। तो फिर 10 मिनट के बाद देखते हैं कि ये पेस्ट कैसा बनता है। तो ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको किसी में निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें निकाल लेती हूँ कि कैसा बना है ये पेस्ट, और आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो वो रखिए। मेरे पास अभी क्लिनिक में जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उससे आपको बना दिया ना, क्योंकि मैं कोई मैन्युफैक्चरर तो हूँ नहीं पेस्ट की, तो मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया, ऐसा पेस्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। ये देखिए, आप खुद देखिए, इस टाइप का पेस्ट बहुत स्मूथ है, बहुत थोड़ा गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो क्या दांत से वो निकलेगा। तो ये जो पेस्ट हमने बनाया है स्मूथ सा, इसको आपको लगाना कैसे है, इसके लिए आप चाहो तो अपनी, अगर आपकी कोई कैविटी नहीं, ऐसे ही दर्द हो रहा है, गम्स की वजह से दर्द हो रहा है, अक्कल दाढ़ में दर्द है, तो इसमें क्या करना है, आपको उंगली पे ले सकते हो आप, उंगली की मदद से आप अपने, जैसे मैं ये मान लो आपका माउथ है और इस दांत पे आपको मान लो दर्द हो रहा है, इस दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो आपको अच्छे से चारों ओर इसको ऐसे लगा लेना है अच्छे से, और गम्स पे भी अच्छे से मसाज करनी है ऐसे, और इसको कम से कम 2 या 3 मिनट तक मसाज करो, और फिर लगा के छोड़ दो, और 10 मिनट तक एज इट इज़ वैसे ही रखो, फिर आप कुल्ला कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और 1 मिनट के बाद इसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, कम से कम 2 मिनट मसाज करो और उसके बाद आप इसको लगा के छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, फिर आप कुल्ले करिए, ये दिन में आपको 2 बार करना है। अब मान लो आपकी केविटी है और केविटी में दर्द हो रहा है, केविटी की वजह से दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा कॉटन है, कॉटन का बाउल बनाना है इस टाइप का, और ये जो पेस्ट है उसको बाउल के कॉटन में अच्छे से ले लेना है इस तरीके से। और मान लो आपकी ये केविटी है, इस टाइप की केविटी, अगर छोटी बड़ी जैसे भी, दो दांत के बीच में है, अलग अलग दर्द में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है हर किसी के, तो मान लो इस टाइप की केविटी है, तो आपको इसको कॉटन के साथ इसको लगा के अंदर डाल के कॉटन को ऐसे दबा देना है, और उसके बाद अपने ऊपर वाले दांत से, या फिर ऊपर है तो नीचे वाले, दोनों दांतों को अच्छे से ऐसे दबा लेना है, दबाना है दांतों ऐसे अच्छे से माउथ को, और ऐसे दबा के कम 10 मिनट तक तो वैसे ही रखना है, छोड़ना है, उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हो, और आप चाहो तो कॉटन को लगा हुआ रखने दे सकते हो। आप देखोगे कि आपके 10 से 15 मिनट में आपका जो दांत का दर्द है वो कम हो जाएगा, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए, आप ये करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके दांत का दर्द ठीक होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि और लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे और उनको भी बेनिफिट होएगा। तो आपका फीडबैक इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने अपने क्लिनिक्स पे ट्राई किया है और बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये मैंने आज आपको दांत के दर्द को ठीक करने के लिए एक घरेलू नुस्खों से एक पेस्ट बना के दिखाया है, वो आपके दांत के दर्द को दूर करने में ज़रूर हेल्प करेगा। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अभी एक बात बोली थी कि जो लौंग होते हैं उनको पीसते किस चीज़ से, तो मैंने मामदस्ता वर्ड बोला है, मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको क्या बोलते हैं, जैसे जिसे हम अदरक पीसते हैं, अदरक कूटते हैं, आपके घर में हर घर में होती है मौजूद, लेकिन मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे वर्ड्स वहीं के हैं और हमारे वहाँ यही वर्ड बोला जाता है। लेकिन अभी मैं रिसेंटली गोवा में रहती हूँ, तो मेरी असिस्टेंट ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैम ये मामदस्ता क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता नहीं, कुछ लोगों को पता है या नहीं पता, तो जो अदरक पीसने वाली होती है, अदरक कूटने वाली होती है, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं आइडिया, तो
तो वही उसी चीज़ से हम लोगों को नमक, ये जो लौंग है उसको पीसना है। तो हो सकता है ये कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने कहा चलो एक बार शेयर कर देती हूँ, बोल देती हूँ आप लोगों को कि मैंने उसको मामदस्ता बोला है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।